मिस्टर गांधी वोडा की न्यू मूवी जिसमें मैं फीचर हुआ हूँ मेरे दोस्तों के साथ। Yep, that's exactly what happened. Let me take you back to where this all began, right here. Early morning, Rishi was at the airport, अपने फैमिली को सरप्राइज देने जा रहा था बिफोर स्टेपिंग इन टू दिस वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। इमेजिन दिस, एक दिन तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें फिल्म में काम करना है विद बॉलीवुड्स वेरी ओन रणदीप हुडा। वेल, मैं हूं स्वतंत्र वीर सावरकर के सेट पे और यहाँ वीडियो लेना स्ट्रिक्टली मना है, पता नहीं क्यों, क्योंकि सीन्स लीक हो जाते हैं हर बार। तो हम जा रहे हैं अभी। क्या करने जा रहे हैं अपन? अभी मैं कैश निकालने जा रहा हूँ, सारे जूनियर्स को कैश देना है। हम जा रहे हैं। देखिए सुरमा वगैरह लगा रखा है भाई ने तुम्हारे। सो गाइस, तीन दिन से शेड्यूल बड़ा ही टाइट था। सुबह 5 बजे आना, रात में 12 बजे जाना, इसलिए कोई ब्लॉग हो नहीं सके। कितना टाइम हो रहा है? बारह बजने को 5 मिनट कम है और हम अब भी पैकअप हुआ है, अभी निकलेंगे हम पुणे के लिए। करंटली वी आर नाउ भोर एंड वी आर लिविंग। गांजा फूक रखा है आज ATM ने। What the fuck? Yo bro, तू गांजा फूका है? तूने गांजा फूका है, दारू या भांग पिया है, बोल जरा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। के एक विलेज भोर में ले गई। वहां दे शॉट सम ट्रूली मैजिकल सीन्स। वहां का माहौल, लोग और व्यू सच में कमाल का था। लेकिन जैसे ही सब सही चल रहा था, दे गॉट अ फ्यू डेज शॉर्ट गैप फॉर सम रीजन। शूटिंग का तीसरा दिन है आज और शूटिंग से पैकअप हो चुका है। शेड्यूल कुछ इस तरह से हो गया था कि जो गांव में शूटिंग चल रही थी वहां पे कुछ इशू हो गया एंड वो इशू के कारण हमें पैकअप कराना पड़ा। मतलब गांव वालों ने कोऑपरेट नहीं किया शूटिंग वालों से, इसलिए वो इशू हो गया था थोड़ा। अभी जस्ट मेरी मम्मी से बात हो गई है घर पे और घर पे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं घर निकल रहा हूँ। अभी रात को 4 बजे मेरी फ्लाइट है। अभी जस्ट बात हुई है, उनको फुल सरप्राइज देने गए। मैंने कुछ भी नहीं बताया घर पे कि मैं आ रहा हूँ। 10-15 दिन का गैप मिल गया हमें। वो उन्होंने कहा है कि हम 10-15 दिन बाद आएंगे, शूट वापस चालू करेंगे। अभी उनका कन्फर्मेशन ऐसा फाइनल नहीं है कि 10-15 दिन में ही आएंगे या फिर आ भी सकते, इसलिए मैं बोला तब तक मैं घर जाके आता हूँ। एंड मुझे यहाँ से फोन आ ही जाएगा 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कि शूटिंग हो रहा है, तब मैं वापस आ सकता हूँ। सो गाइस, मैं निकल गया हूँ एयरपोर्ट के लिए। 20 मिनट या आधे घंटे बाद एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। मेरे पे क्या लग गया है, हमेशा का नाटक हो गया। मिलते हैं सुबह नागपुर में। बाय बाय। ऋषि, जो एकदम स्पॉन्टेनियस पर्सन है, सोचा क्यों ना इस ब्रेक का फायदा उठाया जाए। उसने जल्दी सुबह की फ्लाइट ली और अपने फैमिली को सरप्राइज देने आया। इट वॉज टोटली प्राइसलेस। So guys, finally reached. कुछ ही घंटों में घर पे। देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है, तो क्योंकि 6 बजे से यहाँ पे बस चालू होने वाली है। 6 बजे तक मरा हो अपने। Thank you.
और बॉडी बिल्डर सुबह सुबह बेंचो ओ भाई लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद ऋषि फाउंड हिमसेल्फ बैक। दिस टाइम द कॉल वॉज फॉर मुंबई। दो दिनों का तगड़ा शूट उसका इंतजार कर रहा था और वो इसके लिए पूरी तरह रेडी था। ये हमारा शूट का लोकेशन और ये इधर बेस लगा हुआ है। मुंबई में ठंड नहीं है लेकिन। ये देखो ये दूसरा लोकेशन। सारा काम चालू है अभी भी। और ये फ्रंट लुक बिल्डिंग का। हे आने आओ ये बाग में काइज ले वो नीचे से पूरा खाली है। सेटअप होता है ऐसा। हाँ आगे से पूरा दिखा रहे हैं, पीछे से पूरा खाली है। अच्छा ये करने का क्या क्या स्कैम? वही दिखा रहा ना स्कैम घर बिकाई से। हाँ वही बोल रहा है। देखा बीएमसी बीएमसी नहीं भंडार करी शुरू। तू आता शूट केला भाड़ी पत्र दिता। मैंने ब्लॉग चालू नहीं किया प्रॉपरली। कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगा ब्लॉग को। कैसे तो भी मैं खींच तान के लेके आ जाऊँगा। ओके सो वी आर नाउ इन मुंबई सत्या स्टूडियो में हम अभी है। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम आ गए। कॉल टाइम 6 बजे का है। शिफ्ट टाइम 7 बजे की है। 10 दिन का शेड्यूल दिया है। 10 दिन के लिए हम आए हैं मुंबई। लेकिन ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि 10 दिन हमें रुकना पड़ेगा। 2 दिन में भी हम जा सकते हैं। 1 दिन में भी हम जा सकते हैं। कोई भी प्रॉपर में यहाँ पे सीन नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल वीडियो अलाउड नहीं है। सेट पर एनर्जी जबरदस्त थी। पुणे के पीसफुल विलेज से लेकर मुंबई के फास्ट पेस्ट स्टूडियोज तक ये ऋषि के लिए एक बेहद ही एक्साइटिंग जर्नी थी। Every moment was a learning experience, especially watching Randeep bring his A game to every shot. So hey guys, good evening and finally हमारे shoot खत्म हो चुका है। मैंने सुबह से कुछ भी clip नहीं दिखा क्योंकि मैं full day scene में था इसलिए मैं कुछ भी नहीं दिखा सका। अभी full and final हमारा shoot खत्म हो चुका है और packup भी हो चुका है। So basically schedule तो 10 days का था लेकिन अभी हम घर निकल रहे हैं क्योंकि कुछ काम नहीं है अभी। And 5 दिन के बाद वापस आने वाले हैं। हम वापस आने वाले या वो लोग पुणे आने वाले उसका कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है लेकिन स्टिल है 5 दिन का शूट। और ये देखिए इन्होंने इतना ज़्यादा ये काजल लगा दिया है कि ऑल ओवर में पूरा ही कैरेक्टर में दिख रहा हूँ। सो नो वरीज चेहरे पे मत जाइए क्योंकि 2 दिन की नींद नहीं है मेरे पास। कंटिन्यू शूट चल रहा है। एंड बॉस जो आज सीन हुआ है ना वो जबरदस्त सीन हुआ। आपको क्या बताऊँ मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे मास्टर शॉट लिया है इस बंदे को का सर ने। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सेटअप दिखा देता हूँ। सुबह तो मैंने दिखाया नहीं होगा क्योंकि मैं ब्लॉग करते हुए आया सुबह सुबह रह गई मैं। फिर थोड़ा आया कितना आधे घंटे का नैप लिया और चेंज कर लिया। उसके वजह से कुछ हुआ नहीं। देख लीजिए कैसा कैसा सेटअप रहता है। तो इधर वैसे दूसरा शूट चल रहा है। तो ऋषि ने इस जर्नी से क्या सीखा? लाइफ सरप्राइजेस से भरी है। चाहे वो अचानक से घर जाना हो या बॉलीवुड स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करना, असली मजा सफर का हिस्सा बनने में है। और ये दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ऋषि's अमेजिंग स्टोरी। हेलो लाइफ अपडेट दे देता हूँ। यू गाइस डिजर्व टू नो जिंदा हूँ या मर गया। आई नो व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। मैं काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट चल रहा हूँ यूट्यूब पे। कोई नहीं 3 महीने बाद मेरा वीडियो आ रहा है। ऐसे ही और 3 शूट्स पे बिजी रहता है।
इन दिनों के गैप में फोकस भी ठीक से नहीं हो पाता है। ऑब्वियसली इतना टाइम जो हुआ है फिल्म को कंप्लीट हुए, वैसे मैं चाहूँ तो भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता था। आई डोंट हैव राइट्स टू शेयर मूवी सीन, बट आपको वीडियो में देख के कुछ समझ नहीं होगा क्योंकि वीडियो काफी छोटा हो गया है। पर ट्रस्ट मी, हमने 6 महीने इसके पीछे काम किया है, मतलब वीडियो के पीछे नहीं, ये मूवी की शूटिंग हमने 6 महीने की है। आई रियली डोंट नो ये वीडियो कब आएगा, पर 22 मार्च को ग्लोबली थिएटर्स में और 28 ऑफ मई को Z5 पे रिलीज हो गया है। सो आप देख सकते हो कभी भी, आपके पास OTT वगैरह सब होगा, नहीं तो मुझे DM कर दो, मैं सब्सक्रिप्शन दे देता हूँ आपको। जस्ट किडिंग गाइस, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आपके इस सपोर्ट के लिए, एंड एंजॉय।